हम आपको बता दें, राहुल गांधी से सवाल पर बवाल मचा है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी निकले हैं। हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए हैं। कल भी दिल्ली के अंदर जब प्रदर्शन हो रहे थे तो ईडी दफ्तर के बाहर टायर जलाने की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता उस बात से मुकर गए थे, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है, हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि दिल्ली पुलिस गैर कानूनी तरीके से उनके दफ्तर के पास पहुंच गई और इसी बात को आधार बनाकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन निकाला है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहली खबर, सबसे पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है, और साथ ही राजभवन का घेराव करेगी। और दो तस्वीरें इस बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी से सवाल पर बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राजभवन मार्च निकालेगी कांग्रेस आज। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। राहुल गांधी से सवाल पर बवाल जो है वो लगातार हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ राजभवन मार्च भी कांग्रेस के प्लान में शामिल है। तो ये दो तस्वीरें आज हम आपको अहम दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में। इस वक्त जो दो तस्वीरें हैं वो आज की बड़ी खबरों में से एक है, और ये बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी से सवाल पर बवाल मचा हुआ है। तस्वीर आप देखिए, चाहे चंडीगढ़ हो, जम्मू हो, हैदराबाद हो, हर जगह पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी निकले, लेकिन सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष, राहुल गांधी से सवाल पर बवाल मचा हुआ है, तीन तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, चंडीगढ़, जम्मू, हैदराबाद। आप जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से क्या तस्वीरें आ रही हैं आज? देखिए, राहुल गांधी के सवाल पर बवाल देश के तमाम हिस्सों में जरूर मचा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर बहुत उलट है। ये राजभवन के ठीक सामने हम खड़े हैं, और ठीक सामने आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले भारी संख्या में पुलिस फोर्स जरूर मौजूद थी, लेकिन अब वो भी चली गई है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रमोद तिवारी समेत तमाम जो बड़े नेता थे उनको हाउस अरेस्ट करने की बात आ रही है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता यहां राजभवन तक पहुंचे भी, गिनकर तीन लोग पहुंचे थे तो उनको हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता जो पार्टी दफ्तर में है वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, यानी कि जो राजभवन घेरने की जो ऐलान किया वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फीका नजर आया। यहाँ पर कांग्रेस के कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल इस गेट तक नहीं पहुंच पाया जिसको कहे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जो सवाल पर बवाल जो राहुल गांधी पर मचा हुआ है वो यहाँ पर कुछ अपनी धमक दिखा सके। जी जी, जरा ये बताइए कि यहां पर, चलिए आपने दिखा दिया, अब जम्मू हम आपको लेकर चलते हैं, वहां भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। जरा दिखाइए जम्मू से क्या तस्वीर आ रही है इस वक्त। जी शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी का उग्र प्रदर्शन हुआ था। ये जम्मू का शहीदी चौक इलाका है और यहीं पर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय स्थित है, और कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निकले और उनकी मंशा थी कि वो राजभवन तक मार्च करके जाएं, लेकिन यहां पर इस पूरी सड़क पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं अभी बैरिकेड अब हटा दिए गए हैं, पुलिस की गाड़ियां भी आप देख सकते थे यहां पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल भी भारी संख्या में उस समय मौजूद थे, और जैसे वो आगे मार्च करने निकले उनको तुरंत डिटेन कर दिया गया। बसेस लाई गई थी, बसों में भर भर कर उनको जो है डिटेन किया गया, और जो कांग्रेस पार्टी का प्लान था कि वो राजभवन को घेराव करेंगे यहां पर जम्मू में, उसको जम्मू पुलिस ने विफल कर दिया। फिलहाल जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं जीए मीर, वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, उनको भी यहां पर डिटेन किया गया, वो यहां पर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ठीक है, सुनील जी भट्टा बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया भारद्वाज हमारी एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। सुप्रिया, जरा बताइए, दिल्ली में कहा जा रहा है कि राजभवन मार्ग जो है उस पर मार्च निकलेगा, क्या तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आ रही है, क्योंकि लखनऊ में सन्नाटा है, जम्मू में प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। देखिए शुभांकर, एक और दिल्ली में जहां पर दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, वहीं पर दूसरी और कांग्रेस पार्टी ने अब ये जो लड़ाई है सड़क से संसद तक ले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो संसद के लोकसभा के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग आज पहले सुबह तो ओम बिरला जी से मिले जो कि लोकसभा के स्पीकर, और इस समय मेरे पीछे वाइस प्रेसिडेंट हाउस जो है, जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, वेंकैया नायडू जी, उनके घर पर जो है वो अधीर रंजन चौधरी और उनके साथ साथ पार्टी के अन्य जितने भी सांसद है वो लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ जो है वो
प्रणव झा हैं जो कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के में काम करते हैं। सर, आप कम्युनिकेशन भी देखते हैं, यहाँ पर जितने आपके सांसद पहुंचे वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बात रखेंगे और प्रिविलेज मोशंस भी मूव करेंगे। थोड़ा बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आज दोनों हाउसेज में जाके स्पीकर और चेयरपर्सन से कंप्लेंट किए उसके बारे में। आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से देश की राजधानी में सरकार ने किस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए धज्जियां उड़ाई हुई हैं और कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? खुद वो जो कानून के रखवाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सत्ता आपके हाथ में है। आम लोगों के साथ जो हुआ सो हुआ, आप लोगों ने देखा। सांसदों के साथ जो हो रहा है, ठीक है, अनप्रोवोक